अंत नहीं। और फिर सौधर्मेंद्र जब इतनी बात कहते हैं तब देव नंबर एक इको डालो, देव नंबर एक ईशान कि मन में एक शंका आती है क्या कहते हैं, अरे गरीब कल्याण का गया देखो 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 आनंद छा गया, गरीब कल्याण का गया देखो 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 आनंद छा गया। क्या बात है, दोनों हाथ ऊपर, जय हो। गरीब कल्याण कहा गया देखो 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 आनंद छा गया, गरीब कल्याण आ गया देखो 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 आनंद छा गया। देखिए यहाँ स्वर्गों में सची इंद्राणी ये ईशानेन्द्र है, स्वर्गों में ऐसी भक्ति होती है अपनी सची के साथ ये भक्ति कर रही थी। हाँ, प्रश्न पूछते हैं। हे देवेंद्र, ननगे ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿದೆ। कौन कारी सर और आज तलक पाया नहीं, समय गया बेकार। हे देवेंद्र, ननगे ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿದೆ। ಸಂಸಾರ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೀವಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಸಫಲವಾಗುವುದು? ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ ಔರ್ ಕೃಪೆ ಮಾಂ ಕಹತೆ ಹೈ ಇಸ್ ಭೌ ತು ದುರ್ಲಭ ಮಾ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜಾನ ಇಕೋ हितकारी कल्याण मैं अन्य न कोई मान। सौदर में उत्तर देते हैं, हे तत्व जिज्ञासु, इस संसार संसार में सुख और दुख की भूल में इस जीव ने लगातार परिभ्रमण किया और आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना संभव नहीं है, अतएव जितना हो सके सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय हो देवेंद्र, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आइए, बड़ी तोर दो नंबर प्रश्न, दो नंबर, बड़ी तोर से काये मन में कितनी प्रश्न ले करके, बड़ी तोर से काये ये मन में प्रश्न ले करके, बड़ी तोर से काये ये मन में प्रश्न ले करके। देवराज इंद्र की जय हो। हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन की आपने इतनी महिमा की है, क्या उसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या हम उसे प्राप्त किसी प्रयत्न पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो उसका उपाय बताइए, हम सब उसे प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। हे लगता आत्मी स्वरूप कर्म रहित विज्ञान गए ज्ञाता निश्चितो। देवागम निर्ग्रंथ गुरु शक्ति तत्सि जान, देवागम निर्ग्रंथ गुरु शक्ति तत्सि जान, आत्मनिष्ठावान के सम्यक दर्शन मान। अति उत्तम, बहुत सुंदर प्रश्न। हे तत्व जिज्ञासु, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धान होना अत्यंत जरूरी है, इसलिए देव शास्त्र और गुरु के प्रति
सच्ची श्रद्धा रखो और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपना कल्याण करो। बहुत बढ़िया। तब महेंद्र तीसरा इंद्र अरे नाची जो मन को मोरी रे, नाची जो मन को मोरी रे, पंची कल्याण की बजरी बधई, नाची जो मन को मोरी रे, नाची जो मन को मोरी रे, नाची जो मन को मोरी रे। हे देवेंद्र, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, कृपा कर सम्यक दर्शन की महत्ता प्रतिपादित कीजिए। हे देव, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है और इसे प्राप्त करने वाला जीव ज्यादा समय तक संसार में नहीं रहता। बहुत सुंदर, धन्यो सो। चौथा इंद्र पंची कल्याण की बदरी बदई, नाचे जो मन को मोरे रे, नाचे जो मन को मोरे रे, नाचे जो मन को मोरे रे, पंची कल्याण की बदरी बदई, नाचे जो मन को। स्वर्गों के इंद्र भक्ति में रम जाते हैं। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए क्या विशेष कार्य करने पड़ते हैं? क्या इस संसार के सभी जीव तीर्थंकर बन सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अतिउत्तम, सुनो ध्यान से इंद्र। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, मात्र 12 भावनाएं 16 भावना का चिंतन करके प्राणी मात्र सुखी कैसे हो ऐसी भावना करने वाला प्रत्येक प्राणी तीर्थंकर बन सकता है। जय हो देवेंद्र, जय हो, जय हो। पंची कल्याण की आया गे पंची कल्याण आया गे। और देखिए यज्ञनायक जी क्या कहते हैं। सांस ले रहे हैं भी इंद्राणी। हे देवेंद्र, ये जो इतनी चर्चा हो रही है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या सीखेंगे? तब इंद्रदेव कहते हैं प्राप्ति सम्यक की दर्श का, सुनिए गिराएगी, प्राप्ति सम्यक की दर्श का चर्चा का, कल्याण प्रभु के करे चर्चा यही विषय। हे देवेंद्र, बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका। हे यज्ञनायक, हे देव, इस चर्चा का उद्देश्य सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और हमारी और प्रत्येक प्राणी की यही इच्छा है कि जैसे भगवान के पंच कल्याणक हुए ऐसे हम सबके भी पंच कल्याणक हो सके। धन्यो स्वामी, धन्यो धन्यो धन्यो। और सौधर्मेंद्र अपनी ज्ञान लगाते हैं तर्जनी उंगली से। सौधर्मेंद्र जी अपनी ज्ञान लगाते हैं। सौधर्मेंद्र का आसन कम पैमान हुआ। सौधर्मेंद्र अमरी ज्ञान से सोचते हैं, सात कदम चलते हैं और भगवान को ही से परोक्ष में नमस्कार कर रहे हैं। महावीराय नमोस्तु सिद्धार्थ नंदनाय, नमोस्तु सिद्धार्थ नंदनाय। और अपने स्थान पर आ जाते हैं सुचिंद्र।
और सचिन रानी तब देखिए क्या पूछती है। प्राणेश किसे नमस्कार कर रहे हैं आप? ये कौन है, कहाँ है? अपनी अंत पक्ष में आसीन है क्या? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। आसना जोड़कर किसे नमस्कार किया है आपने? आश्चर्य प्रिय आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर्मन अतीन्द्र सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किंतु नाथ, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है। प्राण प्रिय यहाँ अभी तो नहीं है किंतु होने वाले हैं। वही समय अभी आ गया जंबो भरत मजार, वीर प्रभु तीर्थंकर आएंगे सब जीवन सुखकार। ನೋಡ್ರಿ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಣಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏ ನಾಥ್ ಭಗವಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರು ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರಿ? ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ, ಯಾರು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಣಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮೊದಲು. विदेश क्षेत्र में विद्वान विस्तीर्थंकर भगवान भव्यों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। हे भव्यजीवी, ई वंदो विदेश क्षेत्र दले विद्यमान 20 तीर्थंकर ಭಗವಾನರ ಭವ್ಯ ಅಜ್ಞಾ ತಿಮಿರದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಐರಾವತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರು ಈ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಸಾರ ಭ್ರಮಣ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿನ ಬಾಲಕನ ಜನ್ಮ ಆಗೋದಿದೆ. महाराज तीर्थंकर का अवतरण तब तो हमें महान पुण्य लाभ होगा। प्रभो धन्य है आपको, आपका ज्ञान एवं जिनेंद्र गुणानुराग, आपका हृदय निरंतर महान महान हो कि गवेषण किया करता है, इसी से आप स्वर्गों के इंद्र माने जाता है। सौधर्म इंद्र ने केळ्ताळे, सौधर्म इंद्रनन्न महाराज नीवु तीर्थंकर अवतार आगोदन्न ಅವಧಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಮಹಾ ಮನೋರಂಜನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಬೇರ್ ಕೋ ಆದೇಶ ದಿತ್ತಾಯ್ ಲೋಕಪಾಲ್ ದೇವ್ और नमन। यहाँ पर धनपति कुबेर को उपस्थित करो। होशियार, खबरदार, धनपति कुबेर धनश्री के पास राजा के महलों में बजा रहे हैं। कुबेर महाराज की जय। और कुबेर महाराज क्या कहते हैं? देवराज प्रणाम। माननीय देवेंद्र, अभी आपने जिस महापुरुष का जयघोष किया है, कृपया उस महामना का
परिचय देकर सुधर्मा सभा के समस्त सदस्यों को निर्विकल्प कीजिए एवं मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आदेश है देवराज? सौधर्मेंद्र, प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, विश्व धर्म के प्रवर्तक, अवसर्पणी काल के आद्य तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का अवतरण होने वाला है। आज से 15 महीने पश्चात स्वर्ग से चयकर महामना युग प्रवर्तक महाराज सिद्धार्थ एवं जनजननी त्रिशलाक के गर्भ से जिनेन्द्र भगवान सूर्य के रूप में महावीर भगवान के रूप में प्रकट होंगे, प्रकट होंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कुबेर न सौदर मिंद्रन आज्ञेयन्नु केळ्ताने नन्न करिसिद उद्देशवेनु महाराज ತಾವು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕುಬೇರ ಇಂದ್ರೋ ಕಿ ಬರ್ಸಾ ಕರ್ನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಕುಬೇರ ಮಹಾರಾಜ? ಅರಿ ಲುಟ್ಟಿ ನಾ ಖಾ, ಲುಟ್ಟಿ ನಾ ಖಾ, ಲುಟ್ಟಿ ಆ ಕುಬೇರ ಜಾ. ಕುಬೇರ ಮಹಾರಾಜ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ? ದೋ ದೋ ಹಾ ಹಾ. ಔರ್ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ದೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಕಹತೆ ಹೈ, ಸುನೋ ಪ್ರಿಯ ಧನಪತಿ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಸುನೋ ಔರ್ ಶೀಘ್ರ नगरी में जाओ, सौभद्र महल भवन बनाओ और ऐसा रमणीय महल बनाओ कि महाराजा सिद्धार्थ एवं मातुश्री त्रिशला का ससम्मान ठहराओ और 15 माह तक लगातार रत्न वृष्टि करो। कुबेर रत्नों की वृष्टि करने लगता है। हाँ कुबेर जी, रत्नों जो आज्ञा देवेंद्र। 12 नवयोजन प्रमाण कुंडलपुर नगरी की महामनोहर रचना करूंगा। आपको यह कुबेर भंडारी ताल तलियों, नदी वाटिकाओं, बाग बगीचों, उस अट्टालिकाओं से उस नगर का सुसंपन्न बनाने में स्वयं को धन्य मानेगा। और कोई आदेश? हाँ कुबेर, एक बात और सुनो। माता त्रिशला को एवं महाराज सिद्धार्थ को रत्न थाल लेकर जाना और जाकर इतनी रत्न वृष्टि करना 15 माह तक कि यह पृथ्वी सोनो हीरा पन्ना से भर जाए। ऐसा ही होगा देवेंद्र। राजभवन के प्रांगण में एक समय में 3.5 करोड़ प्रमाण दिन में 3 बार रत्न वृष्टि करूंगा, जिससे कोई दीन दुखी दरिद्री न रह सके। और कोई आज्ञा हो तो कहिए। हाँ सुनो कुबेर महाराज, और साथ में दिक कन्याओं को भी अपने साथ में नियुक्त कीजिए, जिससे वो माता की सेवा कर सके। अब रत्न वृष्टि होती है और कुबेर जी रत्नों की वृष्टि करते हैं। आई और अरे अरे लुटी ना खा, लुटी ना खा, ये तो आपने देखे असली रत्न है, आप सभी लोग लूटेंगे। अरे लुटी ना खा, लुटी ना खा, लुटी ना खारी, कुबेर का खजाना लुटी ना खारी, लुटी ना खा, लुटी ना खा, लुटी ना खारी, कुबेर का खजाना लुटी ना खारी, लुटी ना, लुटी ना, लुटी ना रे, कुबेर का खजाना लुटी ना रे, लुटीरा भा, लुटीरा भा, लुटीरा भरी, कुबेर का खजाना लुटीरा भरी, भटीरा भा, भटीरा भा, भटीरा भरी, कुबेर का खजाना भटीरा भरी, लुटीरा लुटीरा लुटीरा। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, इंद्र सभा सभी लोग खड़े। लूट सके तो लूट ले भैया, काहे देरी करता है। अरे लूट सके तो लूट ले भैया, काहे देरी करता है। भटीरा भा, भटीरा भा, ए भटीरा 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 रे, जितने इंद्र बने थे सभी लोग पीछे चलेंगे, दूसरा कार्यक्रम हम चालू करने वाले हैं। आइए हम दूसरा कार्यक्रम शुभारंभ करने वाले हैं। हेलो 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 और